हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हम लोग अच्छे हैं और आप लोग भी अच्छे रहिए। और हम लोग अच्छे हैं, आप लोगों को वीडियो की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। हम ठीक हैं, बाबू भी ठीक है। हम लोग दवा लेने के बाद वहाँ से हम दोनों लोगों को रिलीफ मिला है। बाबू भी अच्छा, मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी का कमेंट आया था कि आप लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि जब कोई बोलता है कि मेरे साथ है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश थी। मैं बहुत खुश थी और मुझे उतना से ही मतलब लगा था कि मैं ठीक हो गई हूँ। मतलब इतना सुनने के बाद, मुझे देखने के बाद, कमेंट में मैं देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाबू अभी ठीक है, मतलब फीवर नहीं आया उसको वहाँ से, बुखार मतलब कि दवा लेने के बाद नहीं आया है। दवा लेने के बाद उसको बहुत अच्छा मतलब आराम मिला है। और मैं भी वहाँ से दवा ली हूँ तो मुझे अभी उतना आराम नहीं है, लेकिन फिर भी है, मतलब अच्छा है। फिर भी मैं आप लोगों को वेट नहीं करा सकती क्योंकि मुझे भी चैन नहीं आता। मैं भी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो का इंतज़ार नहीं करना होगा आप लोगों को। तो मैं वीडियो अपलोड कर दी हूँ यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मुझे भी मैं करूँगी क्या, मैं घर पे हूँ तो घर पे कोई काम ही नहीं है, तो मेरे को भी मतलब कुछ तो आदमी को करना चाहिए। इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो आप लोग इंतज़ार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं डेली बनाऊंगी। मैं बस स्वस्थ रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाती तो मुझे चैन नहीं आता एकदम, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लगता है जैसे कि मेरा कुछ आज खो गया, क्योंकि मुझे आदत सी पड़ गई है। जैसे आदमी को खाना खाने की दोनों टाइम आदत होती है ना, उस तरीके से मेरे को भी हो गई है कि मेरे को शाम को वीडियो अपलोड करना ही करना है। पहले नहीं था लेकिन अभी हो गया है, मेरे को अच्छा लगता है। तो आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के प्यार की सख्त ज़रूरत है, जैसे अभी आप लोग दे रहे हैं। कि आप लोग कमेंट में बोले थे कि पुष्पा जी हम आपके साथ हैं, तो मुझे पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश थी उसको पढ़ने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि आप दिन भर गाने ही सेलेक्ट करती रहती हैं क्या, मतलब इतने अच्छे अच्छे गाने आप सेलेक्ट करती हैं, तो आप दिन भर सोचती रहती हैं क्या गानों के बारे में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिन भर मैं नहीं सोचती हूँ। क्योंकि कभी कभी कोई मतलब कि गाने सोचती हूँ, लेकिन जैसे एक गाने देखते हैं तो दूसरा गाना रहता है तो मैं उसको सुन लेती हूँ तो वो अच्छा लगता है। कभी कभी तो कोई ऐसा भी गाना होता है जो मैं कभी नहीं सुन लेती हूँ, वीडियो में मैं देखती हूँ उसको, सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो रील बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कितना अच्छा गाना लेकर आऊँ जो कि आप लोगों को अच्छा लगे। क्योंकि मैं अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं किसके लिए सारे वीडियो बनाऊंगी? तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को जो भी मतलब गाना सुने आप लोग, तो आपको अच्छा लगे और दिल खुश हो जाए। इस तरीके से मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और किसी को दुखी भी ना हो, मतलब कोई दुखी भी ना हो। इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा से अच्छा गाना लेकर आए हम जो कि आप लोगों के दिल को छू जाए। तो हमारी बस यही कोशिश है कि आप लोगों को मतलब अच्छे से अच्छे गाने लाना। और रही बात सोचने की, तो हाँ सोचते हैं, क्योंकि नहीं सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो सोचते ही हैं, क्योंकि सोचना हमारा काम है। क्योंकि मैं आप लोगों को दुखी नहीं देखना चाहती, देखना तो क्या, मैं मतलब महसूस भी नहीं करना चाहती कि आप लोग दुखी रहे मेरे प्रति। इसकी वजह से मैं गाने जो सेलेक्ट करते हैं, मतलब हम जो गाने सेलेक्ट करते हैं वो एकदम अच्छा वाला गाना सेलेक्ट करते हैं, जो कि सभी को पसंद आए, बच्चे हों बड़े हों, सबके लिए पसंद हो। तो मैं ऐसे गाने चूज करती हूँ। तो आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि मतलब मैं गाने सोचती हूँ, तो मैं काम करते वक्त भी जैसे कोई काम करती होती हूँ तो मैं उस समय गाने लगा देती हूँ, गाना बजता रहता है अपना। जैसे मैं कोई काम करती रहती हूँ, गाना सुनती रहती हूँ, उस समय बजता रहता है, तो जैसे ये गाना अच्छा लगा तो उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मैं आज इसको बनाऊंगी। फिर उसके बाद कोई और गाना सुनूंगी तो अच्छा लगेगा, तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, जो कि आप सभी को काफ़ी पसंद आता है। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे गाने को पसंद करते रहिए, क्योंकि आप लोग पसंद करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और आप लोगों को जब मुझे जब अच्छा लगता है, कब, जब आप लोग मेरे से खुश रहते हैं तब, तो आप लोग हमेशा मेरे से खुश रहिए, मेरे से दुखी ना हो। क्योंकि आप लोग दुखी हो जाएंगे तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ बोलो? देखे एलेक्सा आ रहा है बुआ की टोपी लेकर के शरारत करने। किसी तरीके से आज ये कि मेरे साथ वीडियो बनवाया है, किसी कोई गाना था, किसी को फूल मिले किसी को धूप, सबकी कुल लुभाए नहीं होती, ये वाला गाना ये लड़का बनवाया है मेरे साथ। आप लोग देख सकते हैं, बुआ की टोपी माय लेकर डियर, लगवाने के बाद देखिए अभी इसका तबीयत ठीक है। दोस्तों को बाय बोल दो, नमस्ते बोल दो, बाय बाय। बाय नहीं, अरे नमस्ते। नर्वस नर्वस बताया था ना कल। हाँ भाई, नमस्ते बोलो पहले, हाथ। नमस्ते।
तो हमारी आज की ब्लॉगिंग वीडियो यही है। मैं सोची कि आप लोगों को बता दूँ कि मैं अच्छी हूँ बिल्कुल भी। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी सर्दी है, 2 दिनों में ठीक हो जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों को वीडियो की मतलब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। क्योंकि मैं कितना भी बीमार रहूँ, मैं सारा काम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं वीडियो जरूर बनाऊँगी। क्योंकि जिस तरीके से खाने की आदत होती है, उस तरीके से बिल्कुल हमको वीडियो बनाने की आदत हो गई है। तो मैं जरूर वीडियो बनाऊँगी, आप लोग ना सुनाइए, और हमारा वीडियो लगातार आएगा यूट्यूब पे, आप लोग देखिएगा जरूर। तो धन्यवाद, बाय 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 बाय। कुल बोलो बोलो। बाय। कब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बोल दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।